Hey, what's up guys, Shubho Siddharth and you're watching PixelSpark Studios. So welcome to another episode of this new clean plate masterclass. और ये part 2 है जो planar tracking technique जरिए हम लोगों ने clean plate बनाया था. part 1 अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर मैंने cards पे link दे दिया, आप देख लेना वहाँ पर, वो यहाँ पे कहीं पे भी होगा तो देख लेना. तो इस टेक्निक को हम समझाते हैं, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं. तो अगर आपने इस इंटरेस्टिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का इंतजार करो, नीचे लाल बटन दिए उसे दबाओ, ठोको, जो करना करो सब्सक्राइब करो यार, और नोटिफिकेशन आइकन को दबाओ. क्या लगता है, टिक करने तो लगता है, दबाओ ताकि नोटिफिकेशन मिले जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा. तो वेलकम बैक अगेन. और प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल के अंदर क्या किया था कि बेसिकली ट्रैक किया था, और ट्रैक करके एक वीडियो, एक सैम्पल, एक क्लीन प्लेट टाइप का कुछ प्लेस किया था ताकि हम लोग टेस्ट कर सके हम लोगों का ट्रैक अच्छे से हुआ नहीं था. तो लास्ट वीडियो तक हम लोग कुछ इतना तक किया था. अब हम लोगों ने क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग दिस रैंडम शेप टेस्ट करने के लिए, हम वही फर्स्ट फ्रेम को, मतलब कि हमारे फ्रेम 100,000 नंबर जो फ्रेम है 1000, उसको फोटोशॉप के अंदर ले जाएंगे. आपका कुछ भी हो सकता है, आपका जो फर्स्ट फ्रेम है आपने जहाँ से सिक्वेंस बनाई उसको फोटोशॉप के अंदर ले जाइए और उसको क्लीन प्लेट करेंगे. तो अब हम लोग आते हैं फोटोशॉप के अंदर. और आपको ये भी बता दूं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा, कि मैंने फर्स्ट फ्रेम में ही रोटो क्यू बनाया और फर्स्ट फ्रेम को ही मैंने क्यू रखा. रीज़न यह कि फर्स्ट फ्रेम के अंदर, पहली बात तो ये कि फर्स्ट फ्रेम के अंदर मैंने रोटो सेप बनाई थी. रीज़न नंबर सेकेंड कि फर्स्ट फ्रेम के अंदर हमारी जो विंडो है ये पूरी 100% विजिबल फर्स्ट फ्रेम के अंदर ये, इसलिए मैंने ये फर्स्ट फ्रेम चूज़ किया है. तो हम लोग फोटोशॉप के अंदर डाइव करते हैं और उसको क्लीन प्लेट बनाते हैं. तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लोग फुटेज को इंपोर्ट करते हैं और उसे कैसे ट्रैक करते हैं. तो जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर वो ट्रैकिंग और इंपोर्टिंग स्टफ मैंने समझा दिया, और फर्स्ट फ्रेम को हम लोगों ने बताया कि फर्स्ट फ्रेम क्यों यूज़ करते हैं. तो अब हम लोगों ने क्या किया कि जो फर्स्ट फ्रेम थी जिस पूरी सिक्वेंस की, उस फर्स्ट फ्रेम को हम लोग फोटोशॉप के अंदर लेके आ गए हैं, और फर्स्ट फ्रेम के अंदर से हम लोगों को इन विंडोज़ को हटाना है, ये जो चार विंडोज़ हैं और ये रेलिंग जो है, तो उनको हटाने के लिए हम लोग बहुत ही सिंपल टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर तो पूरी रिपीटेटिंग पैटर्न है, लाइक एक सिंपल एक फ्लैट कलर है और उसके ऊपर लाइन है. तो मैं बेसिकली इसको हम लोग पेंट करके ही हटा सकते हैं, मैं कट पेस्ट वाला मेथड यूज़ नहीं करूँगा. एकदम सिंपल आपको एक बेसिक, एक 100% प्योर लाइक क्लीन प्लेट मैं लाइक पेंटिंग के ज़रिए आपको समझाऊँगा कि कैसे हम लोग ब्रश टूल यूज़ करके सिंपली इसको हटाएंगे. मैं कुछ आपको कट करके या फिर क्लोन टूल थोड़ा कठिन नहीं सिखाऊंगा, एकदम सिंपल तरीके से इसको समझाऊंगा. जैसे जैसे ये मास्टर क्लास आगे बढ़ेगी वो फर्दर डाउन द लाइन वो टूल्स मैं आपको सिखाऊँ. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फॉर बैकअप मैं क्या करूँगा, इसको रखेंगे यहाँ पे ऐसे ही और कंट्रोल जे दबा के इस लेयर का डुप्लिकेट कर लेंगे. और लेयर के अंदर वंस आ गए तो आप अगर मान लें बाई मिस्टेक है क्या हिल सकता है हमारा लेयर, ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये लॉक होता है, मूवमेंट लॉक, लेकिन इसका पोजीशन जो है लॉक हो जाएगी. अब वो बाय मिस्टेक सेलेक्ट होकर भी मूव नहीं होगा, तो सबसे पहले जाके इसको आप लॉक कर लीजिए और इसको पहले मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है. वन से आ गया तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली क्या करेंगे हम लोग, ये जो फ्लैट जो कलर है इस कलर को यहाँ सैम्पल करेंगे और यहाँ पूरा पेंट कर देंगे. उसके बाद कुछ लाइन्स क्रिएट करेंगे और लाइन्स में भी पेंट कर देंगे. सिंपल यही टेक्निक हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, ठीक है. उसके बाद हम लोग लेंगे ब्रश टूल, और ये जो ब्रश है मैं ब्रश और ब्रश की सेटिंग में समझा देता हूँ मैं कौन सी ब्रश यूज़ कर रहा हूँ. मैं यूज़ करता हूँ ब्रश नंबर 36, और ब्रश की थोड़ी सेटिंग्स आपको बताऊँ तो मैं यूज़ करता हूँ ब्रश नंबर 36, और इसकी साइज़ आप चेंज कर लीजिए. और मैं आपको थोड़े बहुत सेप डायनेमिक्स और ये सब समझा देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सेफ डायनेमिक्स के अंदर जाकर मैं क्या करूँगा, इसका साइज़ जो डिटर है थोड़ा साइज़ डिटर को मैं अराउंड 30% रखूँगा, और मिनिमम डायमीटर को भी थोड़ा बहुत, हम चाहते हैं जितना हम लोग रैंडम ब्रशेस स्ट्रोक्स हो सके वो आए इसके अंदर में, और इसका एंगल जिटर भी थोड़ा बहुत मूव करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि रैंडम जितना हम लोग स्ट्रोक्स मार सके, क्योंकि एक नेचुरल लगेगा, वरना तो लगेगा कि दीवार में एक सीधा पेंट कर दिया हमने, वो हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते. उसके बाद स्कैटरिंग पे अंदर आएंगे, स्कैटरिंग को ऑन करेंगे और थोड़ा बहुत स्कैटर भी बढ़ाएंगे, और इसका काउंट बढ़ा देते हैं थोड़ा बहुत, और काउंट जिटर कितना चाहिए, और टेक्सचर
अगर आपको टेक्सचर चाहिए तो हमें टेक्सचर तो इसमें ले नहीं रहे हैं, और ब्रश पोज नहीं चाहिए हमें, ब्रश पोज वेट एजेस नहीं चाहिए हमें, और सब ठीक है। वंस ये डन कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने नया लेयर ले लिया, इस लेयर को सिलेक्ट करके रखेंगे और हम अपना पेंट प्रोसीजर ऑन करते हैं। तो जब भी आप पेंट करते हो ना, तो मैं क्या करता हूँ कि अपनी जो ब्रश है उसको, अगर आपको नहीं पता है इसका शॉर्टकट क्या है, ब्रश की साइज़ बड़ा करना और ओपेसिटी कम बेसी करने का, तो शॉर्टकट है अपना ऑल्ट प्रेस करके रखिए और माउस में राइट क्लिक दबा कर माउस को लेफ्ट टू राइट रखेंगे तो उसका डायमीटर बढ़ेगा, और ओपेसिटी के लिए आप अप एंड डाउन करोगे तो उसको ओपेसिटी कम बेसी होगी। तो मैं ओपेसिटी अराउंड 50% रखूँगा और ऑल्ट दबा कर हमें कलर को सैम्पल कर लेंगे एकदम नियरेस्ट कलर। वंस ले लिया ओपेसिटी अराउंड 50%, हम लोग उसको पेंट करने स्टार्ट कर देंगे। तो मैं देख रहा हूँ ब्रश की साइज़ थोड़ा छोटी बड़ी कर देता हूँ, तो आप देख रहे, और फिर से यहाँ से बगल से मैं कलर सैंपल लूँगा और हम लोग पेंट करना स्टार्ट कर देंगे। और फिर से हम यहाँ से कुछ कलर्स के सैंपल लेंगे, जितना रैंडम हो सके उसी के लिए हम लोग अगल बगल से कलर्स को सैंपल ले रहे हैं। और ब्रश साइज़ थोड़ी छोटी कर देता हूँ, फिर से बगल से कलर्स लेता हूँ हम लोग, और फिर यहाँ से कुछ कलर सैंपल लेते हैं ताकि काफ़ी रैंडम कलर्स आएँ, और यहाँ से पूरा पेंट कर देंगे हम लोग। फिर इधर से हम लोग कलर्स लेंगे और फिर इधर पेंट कर देंगे, फिर इधर का वापस पेंट कलर लेंगे। ये कलर जो है ग्रेजुअली चेंज होता है, जिधर इधर से उधर मूव कर, इधर में थोड़ा लाइटर टोन्स है, उधर से थोड़ा डार्कर टोन्स आ रहे हैं, इसीलिए इसमें मैटर नहीं करता, आप क्रॉस भी कर सकते हो, उसके बाद हम लोग ठीक कर देंगे इसे। और ऊपर से थोड़ा बहुत कलर्स ले लेते हैं और डार्कर टोन्स, फिर से इसको थोड़ा बहुत मिक्स कर देंगे, फिर लाइटर कलर्स को इधर लेके आते हैं और फिर से इधर और डार्कर कलर्स इधर से पेंट वर्क कर देते हैं। फिर से हम इधर से कलर्स लेंगे और इसे पेंट कर देंगे, थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ ब्रश का मैं। इसमें खाली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको खाली कलर सैंपल लेने हैं यहाँ से जितने नीरेस्ट पोजीशन से, और उसके बाद उसको पेंट कर देना है। अब हम लोग जाते हैं ऊपर वाली खिड़की की तरफ, तो यहाँ से फिर से कलर सैंपल लेता हूँ और फिर से पेंट कर देंगे हम लोग। आपको चाहें तो ऐसे पेंट कर सकते हैं रैंडमली, इतनी डिटेल्स अटेंशन डिटेल की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हम लोग मास्क ऑफ कर देंगे, जो एक्स्ट्रा चीज़ हमें नहीं चाहिए, बस जो चीज़ें चाहिए वही हम लोग रखने वाले हैं यहाँ पर। बस कहाँ से आप कलर सैंपल कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग रीजन्स में वो जो कलर है वो डिफरेंट है, इसीलिए। इसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को लोग मिक्स मैच करेंगे, यहाँ पे थोड़ा टोन अलग है कलर का, इसलिए मैंने यहाँ से कुछ ग्रीन कलर डार्कर कलर्स लिए हैं, और फिर इस लाइटर कलर को भी सैंपल करके इधर में मैंने इसे मिक्स मैच कर दिया है। और इस पैच को भी हम लोग कवर कर देते हैं। अब हम लोग जूम आउट करके देखेंगे कि कैसा है, लग रहा है कि कुछ पैची एरियाज नहीं लगने चाहिए, जो भी कलर हम लोगों ने मिक्स किए हैं वो एक ओवरऑल शेड में नज़र आने चाहिए, वो बस ध्यान में रखना है। वंस ये हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे अभी काफ़ी ठीक लग रहा है, ठीक है। वंस ये हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं, मास्क क्रिएट करते हैं ताकि जो हम लोगों को रीजन्स नहीं चाहिए वो रीजन मास्क आउट हो जाए। तो मैं करता हूँ, एक मास्क लगा दिया इस पर, अब यूज़ करेंगे एक, अब मास्क जब यूज़ कर रहे हैं तो मैं दूसरी ब्रश यूज़ करता हूँ, एक हार्ड ब्रश या सॉफ्ट ब्रश, हम जो जो रीजन्स नहीं चाहिए उन रीजन्स को हम लोग अभी इस टाइम में इसकी हार्डनेस अब अराउंड 80% रखता हूँ, उसको मास्क आउट कर देंगे अनवांटेड जो हमें नहीं चाहिए। थोड़ा इसका ओपेसिटी हार्डनेस थोड़ा कम कर देता हूँ मैं, हार्डनेस अराउंड 40% और ओपेसिटी 50% यूज़ करेंगे। अब एक्स दबाएंगे, कलर को वाइट ले आएंगे, फिर से यहाँ पे थोड़ा ऐड करेंगे,
मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो शेडोज है वो उसको रिटेन करना। क्यों यो? तो इन शेडोज को जितना हो सके उतना हम लोग रिटेन करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने मास्क कर लिया, अब बारी आती है इन जो लाइंस है, अब उन लाइंस को क्रिएट करेंगे। तो इन लाइंस को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली मैं पहले इसको ऑफ़ कर देता हूँ, तो लाइंस को क्रिएट करना हमारे आसानी होगी। इसको ऑफ़ करने के बाद मैं क्या करूँगा, ओके अभी एक रीज़न बाकी रह गया जहाँ पे हम पेंट करना है, उस जगह मैं मास्क आउट कर दिया, इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको पेंट कर देता हूँ मैक्स से वाइट कलर से, तो ये भी रीज़न जो है मास्क ऑफ हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, अब इसको ऑफ कर दूँगा इस लेयर को। अब हम लोग क्या है, कुछ लाइन्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ लाइन टूल, और अब हम बारी आ गई है हमें वन बाई वन इन लाइन्स को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो लाइन्स जब ड्रॉ कर रहे हो तो लाइन की जो पिक्सल, मैं अराउंड 8 पिक्सल्स की इसकी थिकनिंग दे रहा हूँ। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ट्रायल एंड एरर करके देखा है कि कितनी पिक्सल्स का ये है, इसीलिए, और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। या फिर मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसको 7 पिक्सल की थिकनेस दे दी जाए। हाँ 7 पिक्सल परफेक्ट है। अब हमें ये लाइंस क्रिएट करनी होगी, जितनी सारी लाइंस दिख रही है यहाँ से टॉप टू बॉटम। तो मैं वन बाय वन इन लाइंस को क्रिएट कर लेता हूँ, और इसे मैं अभी क्या करूँगा ना, फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। मैं नहीं चाहता आपको कि ये लाइन क्रिएशन मैं दिखाऊँ आपको, तो मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ क्योंकि ये रिपीटेटिव टास्क है। अब और जो मैं लाइंस क्रिएट कर रहा हूँ, इन लाइंस को क्रिएट करने का मकसद बस सिंपल ये है कि एक हम इन लाइन से एक सिलेक्शन लेंगे, और उस सिलेक्शन के अंदर हम ये जो लाइन का जो कलर है वो उसमें कर देंगे, ताकि हमारी जो लाइन्स है हम अटेंड कर पाएँ। तो ये हमारी लास्ट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये हमारी सारी की सारी जो लाइंस है वो कंप्लीट हो गई है। तो वंस हमारी लाइंस हो गई, तो मैं इनको एक काम करता हूँ, एक ग्रुप्स के अंदर डाल देता हूँ सारी लाइंस को। मैं एक बॉटम वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, शेप को सिलेक्ट करेंगे, और टॉप वाली जो शेप उसे कंट्रोल और शिफ्ट दबा देंगे। ओके कंट्रोल शिफ्ट दबा देंगे तो सारी सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल जी मारेंगे तो ग्रुप्स में हो जाएगा, और इसको नाम मैं रख देता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करके नाम रख देता हूँ लाइंस। अब मैं रीज़न बताता हूँ कि मैंने किस लिए बनाया था। मैं सबको एक बार ऑफ़ कर देता हूँ, मैं क्लिक करके ऊपर लेके जाएंगे तो वन बाय वन सारे के सारे ऑफ़ हो जाएंगे। 30 लाइंस है ये, हमें इसमें काफ़ी रिपीटेशन करना है, ठीक है। वंस ही हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, आपको इसको ऑफ ही रखूँगा और आपको दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा था, उससे मतलब क्या था मेरा। ये कर लिया, अब हम लोग एक नया लेयर लेंगे, इस लेयर को हम लोग इसके बाहर रखेंगे, इस ग्रुप के बाहर रखेंगे, इसको अंदर नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है। शेप नंबर जो 1 बनाई थी हम लोगों ने, उस पर कंट्रोल क्लिक करेंगे हम लोग। जैसे कंट्रोल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सिलेक्शन आपको दिखेगा, ठीक है। अब इस सिलेक्शन किस लिए किया, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। अब इस लेयर को सिलेक्ट कीजिए, लेयर नंबर 3, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पेंट करने वाले हैं इन इस लाइन का जो कलर है। तो मैं ब्रश टूल बी दबा देता हूँ, तो ब्रश टूल के अंदर आ जाएंगे। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो बीच का जो कोई लाइटर शेड है उसको मैं सैंपल कर लूँगा ऑल्ट प्रेस करके। और हम लोग अब हम मैं ब्रश की साइज इंक्रीज करके इसके अंदर बस पेंट कर दूँगा, और फिर जो मैजिक है वो अब होने वाला है। मैं वंस पेंट कर दिया, इसकी हार्डनेस जो है मैं एक बार कर देता हूँ 100%, और अब हम लोग उसको पेंट कर देता हूँ। वंस ये हो गया तब आपको मैं दिखाता, कंट्रोल डी दबा डिसलेट करता हूँ, उसको मैजिक दिखाता हूँ कि होगा क्या। जो हम लोगों ने पेंट किया था बस उसको ऑन करूँगा, जो ये वाला लेयर, तो आप देख पाओगे जो हमारी जो लाइन्स है वो लाइन क्रिएट हो गई है, ईजीली परफेक्ट लाइन हमारी क्रिएट होगी। अब हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए सारी की सारी लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो काफ़ी रिपीटिव प्रोसेस होने वाला है। तो मैं एक और शेप को करके दिखाऊंगा, उसके बाद इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा कि सारे एक जो रिपीटेटिव टास्क है इसको दिखा कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए बस एक और शेप नंबर 2 को करता हूँ। शेप नंबर 2 को सिलेक्ट करूँगा,
और हमारे इस लेयर के अंदर हम लोग क्लिक करके हम लोग फिर से कलर का सैंपल लेंगे, इसका थोड़ा डार्कर टोन लूँगा, ये वाला सैंपल क्लिक कर लिया, अब बस ब्रश से पेंट कर दूँगा मैं। फिर कंट्रोल डी दबा देता हूँ, हाँ ये ठीक है। डार्कर टोन लेने का फ़ायदा ये है, मैं इसी टोन को रखूँगा कि हम लोग इसकी ओपेसिटी अगर कम बेसी करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी थिक और थिन होगी लाइन, इसे मैं ये डार्कर टोन रखता हूँ। तो एक काम करता हूँ, जो शेप नंबर वन की, शेप नंबर वन को फिर से सिलेक्ट करता हूँ और फिर से मैं पेंट कर देता हूँ ताकि मुझे डार्कर टोन ही मिले, क्योंकि हम लोग डार्कर टोन ही रख चाहते हूँ इसमें। अब वन बाई वन सारे के सारे शेप्स के अंदर मैं पेंट करने वाला हूँ, इसलिए इसको अब फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। मैं शेप नंबर थ्री पर क्लिक करूँगा और उसको पेंट करूँगा, ब्रश साइज बड़ी रख लेता हूँ इस बार, एक ही बार में पेंट हो जाए। मैं बस कर ये रहा हूँ कि कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ उस नंबर पर, और जैसे अभी नंबर 11 की बारी कंट्रोल क्लिक कर रहा हूँ और बस पेंट कर दे रहा हूँ। और ये पेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि कंट्रोल क्लिक करने से किसी लेयर पर क्या होता है, सिलेक्शन क्रिएट हो जाता है और हम लोगों ने पेंट के लिए ऊपर वाला लेयर ऑन करके रखा है, उस पर हम लोग पेंट कर रहे हैं। तो अब हम लोग अपनी एंड की तरफ आ गए हैं, हम लोग अधिकतर सारी लाइन्स को पेंट कर दिया, लाइन नंबर 30 की तरफ आ गए हैं। फिर इसमें कंट्रोल क्लिक करके मैं उस लेयर पर क्लिक कर रहा हूँ और ब्रश से पेंट कर रहा हूँ। अब नंबर 31 पे कंट्रोल प्रेस करके क्लिक राइट लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ और उस पर पेंट कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने सारी लाइन्स में पेंट कर दिया है, और जो हम लोगों ने पेंट किया था वो किया था इस लेयर के अंदर में। अब कंट्रोल डी दबाता हूँ डिसलेक्ट, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब ये जो लेयर्स हैं, अब आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से हमारी जो है पेंट भी कर दिया, जूम आउट करके मैं अगर आपको दिखाऊं तो काफ़ी सीमलेस लग रहा है। ओके, बस इस लाइन को एक जगह थोड़ी सी दिक्कत है, मैं देखता हूँ कौन सी नंबर लाइन थी, वो नंबर 16 नहीं नंबर 13 ये लाइन। ओके, मैं ये जो लाइन है ये थोड़ी लिटिल बिट इसमें पेंट अच्छे से हुआ नहीं है। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, नहीं नहीं नंबर एट में ठीक से पेंट नहीं आता इसमें, फिर से मैं इसमें पेंट कर देता हूँ वापस। अब ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इस, अब जितना हमें जैसा, अब इसकी जितनी ओपेसिटी चाहिए मैं ओपेसिटी देखता हूँ कितनी ओपेसिटी में ठीक लग रहा है, तो मैं ओपेसिटी थोड़ी बहुत कम बेसी करूँगा और इसको ओवरऑल मैच करने की कोशिश करेंगे हम लोग। 95, 87 ओके, तो इसकी ओपेसिटी हम लोगों ने 80% कर दिया है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब बस जो कुछ एजेस जो इसको करेक्शन करना है, जो बाहर निकल गए लाइंस वहाँ पे मास्क आउट हमें कर देना है, तो वापस हम लोग क्या करेंगे, अब इस मास्क में वापस क्लिक करूँगा और ब्रश सेलेक्ट करेंगे हम लोग नॉर्मल ब्रश, और बस थोड़ा बहुत जो पेंट आउट करना बाकी है जो एजेस को करेक्शन कर लेते हैं हम लोग। मैं एक्स कलर यूज़ करूँगा ताकि इन्फॉर्मेशन को हमें हटाना है अभी। अब मैं खाली इन जो प्रॉब्लम एरियाज थे उनको हटा देता हूँ, मैं हमें खाली एजेस में प्रॉब्लम थी इसकी, जैसे कि इस एरियाज में उन लाइंस को वापस हम लोग रिवील कर रहे हैं। जब हम मास्क किसी मास्क में ब्लैक से पेंट करते हैं तो क्या होता है, उस एरिया को ट्रांसपेरेंट करते हैं, और वाइट से पेंट करते हैं तो वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो रिवील होती है। ओके, तो अब हम लोगों ने जो अपना जो क्लीन प्लेट था वो 100% कंप्लीट हो गया हमारा क्लीन प्लेट। आप देख सकते हो तो काफ़ी सीमलेस है, जूम आउट करके दिखाता हूँ तो काफ़ी सीमलेस है, 100% एकदम परफेक्टली हम लोगों ने अपना जो क्लीन प्लेट है वो कंप्लीट कर लिया है। ये बेसिकली मैंने खाली पेंट टेक्निक्स के जरिए कर दिया, और इसको हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको दूसरे क्लोन स्टैम्प टूल और दूसरे टूल के जरिए भी आपको बताऊंगा। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको न्यूक के अंदर इंपोर्ट करेंगे और उस प्लेट के अंदर लगाएंगे ताकि मैं उसको पूरा आउटपुट आपको दिखा सकूं। तो मैं सबसे पहले इसको सेव कर लेता हूं फाइल, इसको हम लोग सेव एज करेंगे,
इसको हम लोग कर लेंगे सेव एज, इसको पहले तो एक PSD इसकी सेव करके रख लेता हूँ मैं क्लीन प्लेट, ताकि मैं बाद में इसको चेंज कर सके हम लोग। इसको मैं एक बार डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, और इसका एक जेपेग वर्शन भी इसका सेव कर लेते हैं जो हम लोग इम्पोर्ट करेंगे न्यूक के अंदर में। इसको जेपेग में फॉर्म में सेव कर लेंगे, इसको डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर लिया। और अब हम लोग खोलेंगे न्यूक और उसके अंदर इम्पोर्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि ये कैसा है हमारा फुल आउटपुट आता है। तो हम लोग फोटोशॉप को बंद कर देते हैं। इस सीरीज़ की जो फर्स्ट वीडियो के अंदर में मैंने यहाँ तक आपको छोड़ा था, वो यहाँ तक बताया था कि हम लोगों ने टेस्ट ऑब्जेक्ट लगाया था यहाँ पर, और हम लोगों ने ट्रैक कर लिया था, काफ़ी अच्छे से ट्रैक भी हो गया था जो आप देख सकते हो। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वो जो इमेज हम लोगों ने टेस्ट इमेज लगाई थी उसको हम लोगों ने जो हम लोग क्लीन प्लेट बनाया है उस इमेज के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो मैं इसे डिसकनेक्ट करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैं आर रीड जो कि रीड नोड है उसको यूज़ करके हम लोग इसे लगा देंगे। तो हम लोगों ने इसे कहाँ पर सेव किया है, वहाँ से फुटेज पहले मैं ले लेता हूँ। ये हमारे क्लीन प्लेट, और इसको ओपन कर दिया, और अब इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे हम लोग इसके बीजी को इसके साथ। वन से कनेक्ट हो गया, मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारी क्लीन प्लेट जो कैसी हो गई है। अब आप जब देख पा रहे हैं कि एकदम पिक्सल परफेक्ट हमारी क्लीन प्लेट हो गई है, आराम से ये प्ले हो रही है, और कहीं से कोई जिटर नहीं है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है। तो बेसिकली यही इसका प्रोसेस था। तो मैं होप करता हूँ कि आपको पूरा क्लीन प्लेट जो एकदम पूरा फंडामेंटल एक बेसिक क्लीन प्लेट था ये आपको एकदम समझ में आ गई होगी। इसके अंदर मैंने पेंट टेक्निक यूज़ करके इसको किया है, मैंने कोई दूसरों फोटोशॉप टेक्निक्स भी यूज़ नहीं किए हैं, और बेसिक एक 2D ट्रैक किया इसके फर्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर मैंने डिटेल में समझाया ट्रैकिंग को। तो बस यही था, और आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मैं होप करता हूँ आपको 2D प्लैनेट ट्रैकिंग समझ में आ गई, उसके जरिए कैसे क्लीन प्लेट करते हैं। और नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं क्लीन प्लेट मास्टर क्लास के अंदर, वो है बेसिक पैन शॉट यूजिंग कैमरा प्रोजेक्शन। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बोलूँगा आपको सब्सक्राइब करने के लिए, मैं बार बार बोलता हूँ ये सब्सक्राइब करके रखो, और नोटिफिकेशन आइकन को दबा के रखो, नोटिफिकेशन मिलेगी आपको। और कमेंट्स में लिखो कि आपको क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया आपको, क्या अच्छा लगा, और क्या वीडियोज आप और चाहते हो फ्यूचर में। और एक थम्स अप दे दो यार, मोटिवेशन ही तो मांग रहा हूँ आपसे जो मुझे मिलेगी इन वीडियोस को बनाने के लिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।